ये देखना चाहते हैं कि नई सरकार कुछ कर सकती है, लेकिन जिन जिन प्रत्याशियों को हम वोट देते हैं वो कुर्सी पे दिखती ही नहीं। भ्रष्टाचार था तभी मतलब ये लोगों ने इस बार एससी की सीट को कटा के और जनरल की सीट लाए हैं। पहली बात तो ये शिक्षित है, कर्मठ है। जो आज तक विकास नहीं हो पाया है वह विकास अब मैं करके दिखाऊंगी। इस बार हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। दोनों प्रत्याशी बाहर गए, हम ना तो उनको जानते हैं, हम स्थानीय हैं और स्थानीय को वोट देंगे, क्योंकि कोई भी काम होगा तो उसको पकड़ के काम करवा लेंगे। पुराने पार्षद जो वार्ड नंबर 6 के थे उनके कार्यालय कभी जाओ, कभी ना मिलते नहीं है। कि हमें एक ऐसा कर्मठ जो कार्यकर्ता नेता चाहिए जो हम सबके बीच में रहकर सबका काम कर सके। या ना जनता का विकास करेगी ना। क्या बाकी लोग जनता का विकास नहीं करेंगे? नहीं, सब करते हैं, पर नया युवा है नेता है ना। मैं मनीष शर्मा, आज बात करते हैं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 कांग्रेस प्रत्याशी स्वरूप जी कंवर के पुत्र संग्राम सिंह जी से, जो कांग्रेस के एक अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं। और सुना है कि कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला है आजकल, फिर भी इनको एक टिकट के रूप में बहुत अच्छी मान्यता मान के इनको टिकट दिया गया है। आज बात करते हैं संग्राम सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है संग्राम सिंह जी आपको। संग्राम सिंह जी, सुना है कांग्रेस में कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला है, आपको किस एवेज में टिकट मिला है? साहब, मैं पिछले 4 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं 22 साल की मेरी उम्र है। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक मेरे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को माननीय श्री सीताराम जी अग्रवाल विद्याधर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी ने मेरे पे एक विश्वास जताया, एक नेशनल पार्टी ने मुझे टिकट दी। इसके लिए मैं समस्त कांग्रेस परिवार और पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को टिकट दी। ये पूरा मैसेज पूरे जयपुर ज़िले के लिए है कि मेरी मदर को मेरे थ्रू टिकट मिली। मैं पूरी कांग्रेस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता विपक्ष में भी आ रहे हैं कि जो एक्टिव कार्यकर्ता उनको तो टिकट मिला नहीं, आपको किस कैसे मिला? साहब, एक्टिव कार्यकर्ता की बात रही, वो पिछले जो भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली, मानते हैं कि कई हैं लोग जहां कि जिस वार्ड से वो टिकट मांग रहे थे वहां काफ़ी ज़्यादा संख्या थी मांगने वालों की, काफ़ी धुरंधर बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, कई बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए थे। इस घमासान में कईयों की टिकट कटी, कईयों को खुशी हुई, कईयों की नाराज़गी है, कईयों को ये हमारा परिवार है या हमारी आपसी में तालमेल है, हम दोबारा उन सभी को हमारा ही परिवार मानते हैं। वो थोड़ी दिन की नाराज़गी है, वापस वो हमारा ही परिवार है, हम उन्हें दूर नहीं होने देंगे। और मुझे टिकट दी सर, मैं एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैंने एक मेरे सीताराम जी और मैंने सर एक झंडे उठाए, काम करें, दरियाँ बिछाइए, उस मेरे वर्क, मेरी मेहनत, मेरी टीम को देखते हुए सीताराम जी ने मेरे पे विश्वास जताया, उनकी टीम ने विश्वास जताया कि एक बूथ कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो हमारा एक मैसेज बहुत अच्छा जाएगा पूरे कांग्रेस परिवार में। इस हिसाब से मुझे एक टिकट विश्वास जता के टिकट दी गई। ऐसा क्या उद्देश्य लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं? सर, मेरा उद्देश्य ये रहेगा, मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ तो मुझे लोगों की आम समस्याओं के बारे में ज़्यादातर पता है। लोगों की समस्या होती है गलियों में, जैसे ज़्यादातर जहाँ ट्रैफिक होता है वहाँ ब्रेकर वगैरह की, पोल पे लाइटों की, पानी टैंकर, यहाँ पानी की समस्या ज़्यादा आए तो पानी टैंकर मंगाए जाते हैं गर्मियों में, और पानी बिजली इनों की समस्या होती है। मैं इन सबको बारीकी से जानता हूँ क्योंकि एक मैं बहुत मिडिल परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आम परिवार से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, छोटा हूँ उम्र में पर काफ़ी अच्छी जानकारी है, लोगों में जुड़ा हुआ हूँ, परिवारों को जानता हूँ। इस हिसाब से मैं लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को दूर करना चाहता हूँ मैं, ना कि मैं ज़्यादा बड़े शब्द तो नहीं कहूँगा कि मैं वो काम करा दूँ वो करा दूँ, पर मैं जो भी लोगों की, एक आम पार्षद वो होता है जो लोगों के डोर टू डोर काम करवा सकता है, इसलिए लोग अपने व्यक्ति विशेष को, ना कि इसमें पार्टी वगैरह को नहीं देखते, लोग इसमें देखते हैं कि अपना लोकल कैंडिडेट हो, उस चीज़ को चुनकर लोग मुझे आगे भी बढ़ाएंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं लोगों के जो भी छोटे मोटे काम होंगे मैं ज़रूर करूंगा, कोशिश करूंगा, हाईकमान तक भी ले जाऊंगा इससे, अगर इनों से कोई बड़ा काम होगा तो मैं हाईकमान तक भी बात करूंगा, और मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी मेरी बात रखेगी, मेरे क्षेत्र में मेरा काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।